हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमस ब्लॉग। और आप मुझे देख पा रहे हैं तो बहुत चिपको चिपको साइज में लग रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही मैंने अपने बालों में तेल डाला है। सबसे पहला काम अब मानो तो मैंने यही किया यार, क्योंकि बाल मेरे बहुत ज़्यादा रफ हो रखे थे, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखे थे, सूखे घास की तरह एक्चुअली बोल सकते कि हो रखे थे। तो इसलिए मैंने पहला काम सुबह का आज वही किया है। और मैं बैठी हूँ एक्चुअली चाय लेके, मैं दिखाती हूँ आपको। मैं एक्चुअली ग्लास में चाय पीती हूँ, हस्बैंड नहीं है, वो गए हैं, मतलब उनके बॉस के लड़के की शादी है, तो बस उसी में सब लगे हुए हैं। शादी संडे को है, 28 तारीख को, बट विधियाँ सब शुरू हो गई हैं, तो बस वहीं है सब। और मेरा ऐसा है कि मैं शादी में जाऊंगी संडे को, तो बने रहिएगा आप मेरे साथ। और आज एक्चुअली मेरे पापा आने वाले हैं, पापा आने वाले यानी अपने घर पर आ चुके हैं, वो सुबह 4:30 बजे आ गए हैं वो। और यहाँ मैंने बोला कि आ जाइए, तो बोले उनका काम है, एक्चुअली वो काम से ही आए हैं, कुछ उनका पर्सनल काम है, तो इस वजह से ही वो आए हुए हैं। तो वो आएंगे, उनका काम जब ख़त्म हो जाएगा, जब आएंगे मैं आपको मिलवा आऊँगी उनसे। और आज बहुत ही अच्छी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, एक्चुअली कौन भजिया यूनिक है, थोड़ा अलग है, तो मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग बने रहना मेरे साथ में। और यहाँ मैं आ गई हूँ पुदीना कट करने, क्योंकि चटनी बनाना है मुझे भजिया के साथ में। तो समय समय पर ना पुदीने को कट करते रहना चाहिए, मतलब जैसे बड़ा होता है ना, तो उसको आप कट करते रहोगे ना तो वो ग्रोथ अच्छा करता है, तो वही कर रही हूँ मैं। और एक दूसरे गमले में भी है एक्चुअली, और जितनी मुझे ज़रूरत थी उतना ही मैंने पुदीना काटा है आज। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ, इसको धोऊंगी मैं, साफ़ करके रखा हुआ है। वीर कौन मुकिन गयो? अरे यहाँ चल रही लो की मस्ती। डॉडा मुकिन गया? ओ सुख है ना? बोलो वीर, बाबू अपना दूध कंप्लीट करो, चलो बाबू। आप अपना बनाओ ना। बाबू बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, सही बता रही हूँ मैं। लग जाएगा उसको। वीर दादी शू करे छे? छी गंदा, तो छी गंदू गंदू, आंगड़ी बाहर निकालो। बाबू अपना कंप्लीट करो बेटा, लग जाएगी उसको। अरे बाबू कंप्लीट करो ना, अपना दूध कंप्लीट करो जल्दी से, जाने नहीं मिलेगा फिर। ऐसा नहीं करते बेटा, उसको लग जाएगा। हाँ बाल कटवा लिया, कट कट कट। आपको भी बोल रही हूँ ना कि सेट करवाना है आपका बाल, बाल देखो कैसे बिखरे हुए हैं आपके बाल। कहाँ पे कटवाया था वीर? दादा ने काटा? अच्छा दुकान है सामने, वहाँ पे कटवाया ऐसा? बार बार अंकल से कटवाया। जिसके मामी में आपने मुझे मोबाइल दिया था, अंकल ने मोटू पतलू अपने मोबाइल में लगा के दिया था, मोटू पतलू। हाँ फिर रो भी नहीं रहा था। वहाँ पे कटवाया होगा ना, वहाँ पे कटवाया ना। मेरी नानी इसकी क्या लगती है? नानी लगेंगी ना बेटा, आपका फ्रेंड है ना, तो आपकी नानी उसकी नानी। इसकी नानी ने बहुत और यहाँ आप देख सकते हैं मैं धो रही हूँ धनिया पत्ता, अच्छे से धो लेंगे हम इससे, ताकि इसमें कोई मिट्टी का कण ना रह जाए। बहुत तसल्ली से धोती हूँ मैं, जब तक मुझे लगे नहीं कि साफ़ हो गया, जब तक उसको अच्छे से धोना ही पड़ता है। और यहाँ मैं अभी वो पुदीना है जो मैं अभी कट करके लाई थी, तो उसके खाली पत्ते पत्ते ही हमें चाहिए, तो पत्ते पत्ते अलग कर लूँगी। और डंठल को फिर वापस उसी गमले में वो दूँगी, या जो भी आप बोले उसको प्लांट कर दूँगी, तो वापस फिर पत्ते आ जाते हैं उसमें।
हमें सिर्फ पत्ते ही चाहिए यहाँ पे चटनी के लिए। और क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि मैं कौन भजिया बनाने वाली हूँ, कौन के पकोड़े बनाने वाली हूँ, तो भजिया और पकोड़े के साथ में चटनी ही अच्छी लगती है, हरी चटनी। यहाँ मैं दिखा रही हूँ डंठल मैंने संभाल के रखा है, तो उसको मैं वापस उसी गमले में मिट्टी में डाल दूँगी तो वापस हो जाएगा वो। यहाँ मैंने मिर्ची डाल दी है, दो हरी मिर्च। और लहसुन के कलियाँ हैं 7 से 8, वो डाल दूँगी। और थोड़ा सा मैंने अदरक डाला है क्योंकि अदरक का स्वाद हमारे घर में इतना पसंद नहीं करते चटनी में, तो इस वजह से। और यहाँ मैं डाल रही हूँ भुना जीरा, तो वो 1 चम्मच डाल दूँगी मैं। और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। इसमें पानी मैंने अभी नहीं डाला है, जब ज़रूरत पड़ेगी हम पानी डालेंगे। नमक डाल देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें चटनी के साथ में। और बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, आप लोग बनाते ही होंगे। और यहाँ ऐसे मैं स्टील के डब्बे में भर के, छोटे से डब्बे में भर के रख देती हूँ, स्टोर मतलब फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। इसमें डाल देंगे हम नींबू, आधा टुकड़ा नींबू का है ये, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ मैं बनाने वाली हूँ, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कौन भजिया, तो बस उसके दाने मैंने कौन के दाने निकाल लिए हैं। और यहाँ आपको देसी मकई नहीं चाहिए, मतलब जो अमेरिकन मकई आती है ना वही आपको लेना है, क्योंकि देसी मकई का अच्छा नहीं बनेगा। और उसको हम अच्छे से धो लेंगे। आप उसमें पानी डाल के ना 2-4 मिनट के लिए छोड़ सकते हो, ताकि उसमें जो रेसे रहते हैं वो आप ऊपर आ जाएं, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। और इसका पूरा पानी हमें निकाल देना है, फिर उसमें हम डालेंगे बेसन। बेसन हमें बेसिकली यहाँ पे बाइंडिंग के लिए ही चाहिए, ज़्यादा बेसन हमें नहीं डालना है इसमें। आप चला के मिला के देख लेना, जिस तरह से बाइंडिंग हो जाए तो उतना ही बेसन हमें इसमें चाहिए। और इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते, इसमें नमक डाला है मैंने, और लाल मिर्च पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है, और ये मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, तो वो 1/2 चम्मच डाला है। और ये खाने का सोडा है, तो मतलब 1/2 चम्मच से भी कम डालना है खाने का सोडा। आप ऐसे मिला के देख सकते हो कि मतलब कौन अच्छे से बाइंड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हो, ज़रूरत पड़े तो आप बेसन भी थोड़ा डाल सकते हो, जैसे मैं डाल रही हूँ अभी। अब ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन डालें, नहीं तो बेसन का स्वाद फिर अच्छा नहीं लगता इसमें, ज़्यादा बेसन हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। तो आप ऐसे मिलाते हुए आप देख लो कि आपके जो कोन है वो अच्छे से बाइंड हो रहे हैं नहीं हो रहे, उस हिसाब से आप बेसन का यूज़ करें। मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि अच्छे से बाइंड हो रहे हैं, तो इनफ है इतना बेसन। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा भजिया बनता है, पकोड़े बनते हैं कौन के, आप लोग प्लीज़ ये ज़रूर ट्राई करना घर पे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
और मैंने कढ़ाई पहले से ही चढ़ा रखा था, तेल डाल के गरम हो गए हैं, तो मैं अब एक एक करके तल लूँगी। और मेरे घर में बहुत सबको बहुत पसंद है, कॉर्न भजिया बहुत पसंद है सबको, बहुत ही चाव से खाते हैं सब। मतलब जब से मैंने ये बनाना शुरू किया है ना, तो आलू के भजिया हो गए या फिर प्याज के भजिया हो गए, पकौड़े यानी, तो इतना ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता। और डालने के बाद ना आप तुरंत चलाएं नहीं इसको, थोड़ी देर छोड़ दें ताकि अच्छे से वो क्रिस्पी हो जाए, उसके बाद ही आप इसको चलाएं। इसको अच्छे से तलना है हमें, और लो टू मीडियम आँच पे ही तलना है, ज़्यादा तेज़ आँच में ना तलें इसको। आप देख सकते हो तो कलर कितना ही अच्छा आया है। बेसन ज़्यादा डाल देते हैं ना तो ये दाने दाने नहीं दिखते, फिर वो अजीब सा ही लगता है, नहीं अच्छा लगता। तो आप बाइंडिंग जितने में हो जाए उतना ही बेसन का इस्तेमाल करें। दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से तल लूँगी जो बचे हुए हैं। और ऐसा लटते पलटते हम फ्राई कर लेंगे। डालते समय आप आँच को लो कर दीजिए, नहीं तो डालने के साथ जल सकता है, तो उसके बाद आप लो टू मीडियम आँच पर तलें इसको। अब इसे मैं निकाल लूँगी। बहुत ही क्रिस्पी बना था, बहुत ही टेस्टी बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, क्रिस्पी बहुत बनता है ये, और तेल भी ज़्यादा अब्जर्व नहीं करता। अब देख रहे होंगे कि दो बैच मैंने तल लिए, फिर भी तेल कढ़ाई में आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ मैं लेके जा रही हूँ अपने पापा के लिए नाश्ता। और ये है मेरे पापा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अरे बाबू को भी बोल रहे हैं खाने के लिए, लेकिन वो मना कर रहा है।